गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रोहित लाला और आज मैं एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए लाया हूं। आज की जो स्टोरी है उसमें एक पंडित है जिसने जब से होश संभाला 8 साल की उम्र से, तब से शिव जी की अर्चना की, शिव जी की पूजा की, शिवलिंग पे सुबह को दूध चढ़ाना और जो भी आरती है वगैरह सब सारे काम किए, सब सेवाएँ की है। अब एक दिन ऐसा आया कि गाँव में बाढ़ आने वाली थी, गांव में बाढ़ आने वाली थी। गांव के जो भी लोग थे उन्होंने कहा, पंडित जी चलिए, यहाँ पे बाढ़ आ रही है, पानी आ जाएगा, जान बचाइए। पंडित जी ने कहा कि नहीं, मैंने अपने शिव जी पे इतनी साधना की है, इतना मैंने पूजा की है, मेरे शिव जी मुझे कुछ नहीं होने देंगे। तो ठीक है, सब लोग वापस चले गए, पंडित जी वहाँ पे थे, पानी आने लगा, पानी घुटनों तक आया, फिर से वापस आए, लोग आए, बोला चलो पंडित जी यहाँ पे पानी आ गया है, अब तो बाढ़ भी आने वाली है, सारे सिग्नल्स वहाँ पे जो लगते हैं वो भी रेड अलर्ट पे थे। पंडित जी फिर भी बोले, नहीं मेरे शिवलिंग के साथ मैं रहूँगा, मुझे शिव जी कुछ नहीं होने देंगे। फिर पानी घुटनों तक आ, घुटनों से थोड़ा ऊपर कमर तक आ गया, फिर से वही चीज़, वहाँ पे लोग वापस आए, पंडित जी अब तो चलो, नहीं अब पानी सर तक आ गया और वहाँ पे मंदिर पूरा पानी में भर गया पानी से और ध्वजा पे पंडित जी चढ़ गए। लोग फिर भी लास्ट टाइम बोट पे आए और उन्होंने कहा, पंडित जी चलो बाढ़ आ चुकी है, इतना सब कुछ आप देख रहे हो, अब तो चलो। पंडित जी ने कहा, नहीं मेरे शिव जी मुझे बचा लेंगे, आप लोग जाइए। अब पानी तो पानी है, बाढ़ तो आने वाली थी, पंडित जी चल डूब गए, मंदिर डूब गया, गांव डूब गया। जब पंडित जी उठे तो स्वर्ग में उठे, बाजू में अप्सराएं सारी चीजें देख रहे थे, वहां पे उनको शिव जी भी दिखे जिनकी वो पूजा करते थे। अब वहां पे जब वो शिव जी से बात कर रहे थे तब शिव जी से उन्होंने सीधा जाके एक ही पूछा कि हे भगवान, मैंने आपकी इतनी पूजा की, इतनी अर्चना की, अपने 8 साल से जब से होश संभाला तब, आज मेरी 60 ईयर्स की एज होती, तब तक मैंने आपकी अर्चना की, हर रोज सुबह को आपको दूध से नहलाया, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? ये आज तक क्वेश्चन उन्होंने क्वेश्चन पूछा। शिव जी मुस्कुराए और बोले, याद करो पहली बार जब बाढ़ आने वाली थी मैंने अपने लोगों से, अपने गाँव के लोगों से कहा, गाँव के लोग आपको बचाने आए थे, दूसरी बार घुटनों तक पानी आया, गांव के लोग आपको बताने आए थे, कमर तक पानी आया, गांव के लोग आए थे, इवन जो मंदिर की ध्वजा जहां तक शिखर जो बोल रहे हैं वहां तक पानी आया था, आपको बचाने आए थे। अब आप क्या चाहते हो, मैं खुद आपको बचाने आऊं? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता, भगवान खुद नहीं आते, वो अपने कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी इशारे हमें समझने पड़ते। भगवान की जितनी भी इच्छाएं हैं वो हमें डिकोड करनी है, एंड दैट्स द रियलिटी। बट ये दुनिया क्या है, इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेती है ना कि हमें वो भगवान ही बचाने आएंगे जो आपने देखा, बट ऐसा होता नहीं है दोस्तों। वी नीड टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी, वी नीड टू मूव ऑन। सो यही थी आज की इंस्पिरेशनल स्टोरी। थैंक यू।